नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, हर दिन एक नया मामला सामने आ रहा है। कुछ ऐसा ही जौनपुर में हुआ। प्रत्याशी से विरोध जिताने के लिए 3 लाख रुपया लिया गया। मामले में वापस न करने पर तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किया। निर्विरोध निर्वाचन न होने पर पैसा मांगने पर पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी। मामला पूर्व भाई के प्रमुख पर लगाया गया आरोप है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। किराकत में क्षेत्र पंचायत मुफ्तीगंज में BDC का निर्विरोध जिताने के लिए एक प्रत्याशी से 3 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते हुए पूर्व प्रमुख के भाई के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। देवाकलपुर निवासी संजय सोनकर मुर्तजाबाद से क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। संजय का आरोप है, वहां के निवासी और पूर्व प्रमुख के भाई शैलेश राय ने निर्विरोध जिताने का लालच देते हुए 3 लाख रुपये ले लिया। जब संजय निर्विरोध नहीं हुआ तो वह अपना 3 लाख रुपये मांगने लगा। पैसा वापस न मिलने पर पीड़ित ने शैलेश राय और विजय कुमार के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दे दी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, आचार संहिता का उल्लंघन, अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं शैलेश राय के समर्थक कमलेश राय निवासी मुर्तजाबाद को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि शैलेश राय ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। अब मामला चाहे जो हो, असलियत आने पर ही सब कुछ स्पष्ट हो सकेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।